मोदी जी के लिए है। अब आप हंसेंगे जो मोदी जी का नाम लेता हूँ। मोदी जी के लिए मैसेज ये है कि देखिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपने देखिए एक बच्ची के कहने पे एजुकेशन का मसला स्कूल का हल किया। देखिए उसे पता नहीं कितने लोग पढ़ लिख के निकलेंगे और मोदी को दुआएं देंगे, उसकी वजह से कुछ बनेंगे ना वो लोग। अच्छा, वो मैसेज फेसबुक से मोदी जी तक पहुंच गया, उन्होंने वो मैसेज देखा, उस पर काम किया। अरे इधर एक आबिद भाई भी हैं यार मोदी जी, आबिद भाई पता नहीं कब से तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो कभी हमें भी मौका दे दें प्लीज, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। और यकीन मानिए सिंध के बीच में हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, रेस्टोरेंट ना होटल जो खाना शाना खाने के हैं, हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं। और मुसलमानों के लिए शीशे के गिलास, शीशे के बर्तन, हिंदुओं के लिए वो स्टील के और वो लोहे के गिलास और बर्तन। आप यकीन करें इतना शेम फील कर रहा था उस टाइम मैं अपने दिल के बीच में, मेरे साथ कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई क्रिश्चियंस हो, मैं यकीन माने उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, कभी बर्तन अलग नहीं करूंगा अपने। और ये कौन सी सोच है यार, ये कौन सी घटिया सोच है हमारी कि क्रिश्चियंस ने हाथ लगा दिया, हिंदू ने हाथ लगा दिया। अच्छा वो बंदा क्या कर रहा है, क्रिश्चियंस का या हिंदू का हाथ लगा हुआ है ना, तो हाथ धो रहा है पहले, उस बर्तन को धो रहा है पहले। मतलब इतनी घटिया सोच कैसे आ गई हमारे बीच में। बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए, हमारी सॉलिड आर्मी है, पाक आर्मी एजेंसियां हैं, सारा कुछ है, आपने सारे दारों को फेल कर दिया, आपने सबको बर्बाद कर दिया ये लफ्ज बोल के कि जी वो हम सिक्योरिटी इधर दे देंगे तो इंडिया हमला कर देगा। और भाई इंडिया ने हमला करना होता ना जब आप भूखे मर रहे थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, ये टाइम है वो, इस टाइम में हमला करता इंडिया आपके ऊपर। इंडिया ने आपसे कोई हमला, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो बिजनेसमैन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। एक साइड पे ये कहते हैं इंडिया हमला कर देगा और एक साइड पे हम ये कहते नजर आते हैं जब हम हुकूमत में होते हैं या हमारा नॉर्मल सीन चल रहा है, हम ये कहते हैं एक मिनट में इंडिया को उड़ा देंगे, हम दिल्ली में जाके अटैक करेंगे, हम वहाँ, यानी ये समझ नहीं आता। इंडिया इंडिया जो है ना वो चने बेच रहा है, उसने हाथों में चूड़ियां पहन ली है कि आप एक मिनट में, देखिए सर बात सुनिए, बात सुनिए कि आप एक मिनट में इंडिया, इंडिया कोई गुब्बारा है जिसे आप उड़ा दोगे। और भाईजान इंडिया की फौज आपसे बहुत गुना ज्यादा है। देखिए छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसने वीडियो बनाई वॉशरूमों की, टाटों पे वो बैठ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप ये देखिए कि वो वायरल हुई वीडियो, मोदी साहब तक पहुंची, किसी तक भी पहुंची, उस पर एक्शन लिया गया और वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची की फरियाद सुनी गई। अब आप देखें उधर काम स्टार्ट हो गया, काम होना शुरू हो गया है। अब देखें मैं कहता था आपको, सबको कहता था, लोग मुझे कहते थे कि यार आप क्यों साइज आप पे किया जाता था लव यू मोदी जी, आप तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी लव यू मोदी जी चल गया। जी वही बता रहा हूँ कि देखिए मैं आई लव यू मोदी जी कहता था तो मुझे बड़ा बुरा कहा गया, बड़ा कुछ कहा गया। मैं आज कहता हूँ भाई जी आई लव यू शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम, आई लव यू इमरान खान साहब, सबको आई लव यू, हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं। अब आप ये कीजिए कि आप भी हमारे यहाँ काम करना शुरू कीजिए, हम आपको भी आई लव यू कहते हैं। बात सुनिए, हाँ, यानी कि हम आई लव यू शहबाज शरीफ साहब, आई लव यू इमरान खान साहब कहते हैं, हमारे कहने पे आए, हमारे बच्चों को भी स्कूल बना दें, सिंध में जाएं, वहाँ पे मैं जाके बच्चों को कहता हूँ कि आई लव यू शहबाज शरीफ बोल दो तो आपका स्कूल बन जाएगा। आप सिंध की बात कर रहे हैं, मैंने आपकी सिंध की सारी वीडियो देखी है, आपका टूर भी बड़ा कामयाब हुआ, उसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा दूसरा ये, आप मेरे साथ गए थे जब हम लोगों ने राशन तकसीम किया था, वो जगह भी आपने देखी मेरे साथ गए, उन बच्चों तो बहुत दूर है वहाँ के, ये लाहौर में वो एरिया था और बच्चों की हालत, और लाहौर की बड़ी मेन जगह है जहाँ पे मैं आपको ले गया था ना। अच्छा वो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या उन बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन सकते, क्या सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी आपने देखी, चाहे मुसलमान कम्युनिटी है, चाहे हिंदू है, कोई भी है, क्या उन बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन सकते? मैं हजार बार कह चुका हूँ वो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने कुछ बनना है। जब आप उन पर तवज्जा नहीं देंगे, जब आप उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, जब उनके लिए अच्छे स्कूल नहीं होंगे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, तो वो बच्चे जाहिल बनेंगे भाई, कोई टायरलिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कुछ बनेगा। तो हमें पढ़ाई पर बड़ा फोकस करना है, और वो फोकस देखिए अब फिर बात उधर ही आ जाती है जो मैं बात हमेशा करता हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आप गलत हो। आई लव यू मोदी जी मैंने कहा क्योंकि उनकी क्वालिटीज देख रहा था कुछ मैं, कि वो लोगों के साथ चलते हैं, आम काम की वजह से अप्रिशिएट। अब तो एक स्कूल से आप अंदाजा कर लें कि एक बच्चों का स्कूल और एक छोटी सी बच्ची की फरियाद के ऊपर वो ये काम कर रहे हैं, तो बड़े लोगों के कहने पे वो क्या क्या कुछ करते होंगे, ये चीज भी आपने सोचना है कि एक छोटी सी बच्ची की वीडियो वायरल हुई, उस बच्ची का, अच्छा बच्ची ने थैंक यू भी किया है,
उसने थैंक यू की वीडियो बनाई है, उसने आई लव यू मोदी जी का है। तो सर हम भी आई लव यू मोदी जी कहते हैं, हम आई लव यू इमरान खान कहते हैं, आई लव यू शहबाज शरीफ कहते हैं, अब आप भी प्लीज हमें कोई स्कूल बना के दें, हमें इस मार्केट के मसले मसाइल हल करके दें, छोटे छोटे काम हमारे कर दें, तो हम लोग आपको भी आई लव यू कहेंगे। देखिए ना ये बात क्लियर हो गई आज, जो आबिद भाई ने आज से एक माह पहले दो माह पहले बोला आई लव यू मोदी जी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान में, मीडिया वालों ने बहुत बोला कि ये देखें जी ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं, आज उन्होंने आई लव यू शहबाज शरीफ कह दिया है, आई लव यू इमरान खान कह दिया है, अब हम भी ये कहते हैं लेकिन हमें भी उस तरीके से आप लोग ट्रीट करें जैसे उन्होंने बात सुनी अपने लोगों की, अपनी पब्लिक की, अपने बच्चों की, हमारी भी बात सुनी जाए, हमारे बच्चों की बात भी सुनी जाए, हम भी फिर हम ये आपको क्या लगता है लेट्स सपोज आप बोलें आई लव यू शहबाज शरीफ साहब और वो फिर उसके ऊपर काम भी करें, इंप्लीमेंट भी करें, स्कूल बना के दें, वट एवर जो भी पब्लिक की डिमांड है, तो हम वो खबर नहीं चलाएंगे सर एक टाइम ऐसा वो खबर नहीं चलाएं आप बिल्कुल सर बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे और बहुत ज्यादा उस पर बोलेंगे भी, फख्र करेंगे। हम ऐसा था शहबाज शरीफ साहब लाहौर के काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ ब्रिज बनवाए, सारा कुछ किया, तो हम लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया था, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट, लेकिन उसकी समझ हमें बाद में आई कि आप कर्जे ले ले के बनाते रहे, हमें आप फंसाते रहे वोट लेने के लिए, और आज देखिए हम किन हालातों में आ चुके हुए हैं। अच्छा दूसरा, तमाम दोस्तों के लिए, मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए भी, सबके लिए भी है कि हमारी ईद आने वाली है, हो सकता है कल आ जाए या परसों आ जाए, तो सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मसरूफ थे आबिद भाई यहाँ पे, ये इनकी सारी ब्रांचें हैं, ये ब्रांच है इसे दूसरी साइड पे, उससे आगे वाली साइड पे, अगर ये आप देख सकें यहाँ पे कैसे किस तरीके से शॉपिंग के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन हमने इनसे आप रिक्वेस्ट यकीन कीजिए कि हमने बाहर लड़के खड़े किए हुए हैं, वो कस्टमर अंदर नहीं आने दे रहे कि ये भाई आए हैं, तो मैंने कहा यार इनका पहले इंटरव्यू कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है सर, ये मेरे लिए नहीं है, ये लाखों लोग जो देखते हैं ना ये उनके लिए है। देखिए वो लोग हमसे प्यार करते हैं, वो हमें कमेंट करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो हम ये आधे घंटे या एक घंटे के लिए दुकान खाली, क्या मैं तो पता नहीं क्या कुछ खाली करवा सकता। इसमें एक चीज ये भी है, बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन देख मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से जो देखने वाले हैं वो समझते हैं, आप एक वीडियो में ड्रामा कर सकते हो, मतलब की अच्छी अच्छी बातें करो या बुरी बुरी जो भी। मैं आपकी तरफ बात काटना चाहता हूँ, ओ भाई जान मैंने हजार बार कहा है कि ड्रामा करके हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं लेना, ना किसी से कुछ लेना है, उल्टा फंसना ही है। और दूसरी बात यह कि आज तक जो भी वीडियो हमारी बनी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाथ उठा के कह रहा हूँ, वो सच के ऊपर है, कोई हमने प्लानिंग नहीं की, कभी कुछ नहीं सोचा, जो दिल में आती है वही बोली जाते हैं फर 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 फर, और वही निकाल के आपके आगे रखते हैं। इसी वजह से तो अक्सर आप दिल की बात ऐसी कर जाते हैं जो आप फिर कुछ लोगों को अच्छी लगती है, यहाँ से कुछ लोगों को बुरी लगती है, और फिर आप अगर हम सोच के बोले फिर हमें भी पता हो कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। नहीं देखिए आज हम दूसरी बात भी करेंगे, इंडिया में हम लोग वो एक यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि दो मुस्लिम पॉलिटिशियन थे, उन्हें मार दिया गया अदालत में, पता नहीं जो भी हुआ। देखिए इस चीज पे भी हम आपको कहेंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अदालतें क्यों हैं, पुलिस क्यों है, कानून क्यों है, लॉ क्यों है, तो आपको लॉ पूरा जो है ना उसके मुताबिक करना चाहिए। है तो क्राइम है, क्राइम हर, देखिए मैंने पहले भी एक बात कही थी, लेकिन एक चीज उसके अंदर मैं क्लियर कर दूं, देखिए मेरा भी काम है अनबायस रहना, आपकी आप जो दिल करे बोले, हमारा दिल जो करे बोले, लेकिन उसके अंदर जिन्होंने ये किया है वो पकड़े गए हैं उसी टाइम पे पकड़े गए। सर मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि देखिए जैसे पाकिस्तान में चंद लोग अच्छे हैं चंद बुरे भी हैं, इंडिया में भी कुछ लोग अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं, तो सब एक देखिए पॉलिटिशियन जो होते हैं ना वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वो बड़ा कुछ कर जाते हैं, मैं अगला लफ्ज मुंह में रोक दिया मैंने बोलते हुए, तो वो इतना कुछ कर जाते हैं सिर्फ सियासत के लिए, हमने देखना आम पब्लिक को, आम सिविलियन। अब आप देखिए ना कि आप इंडिया से ऑनलाइन होके बात करते हैं लोगों से, तो क्या वो आपसे नफरत करते हैं, क्या आपको वो बुरा कहते हैं? आपको आइडिया होना चाहिए, मुझे बड़ा आइडिया है कि जितने अप्रिशिएट वो करते हैं, शायद हमने जब काम स्टार्ट किया था आइडिया नहीं था कि इतनी, मुझे ये था लोग शायद वहाँ के नफरत करते हैं, आपको भी शायद यही आइडिया होगा। नहीं नहीं वो नफरत जो है ना, नफरत मैं आपको बताता हूँ, आम सिविलियन हिंदू, हिंदू जिसे कहते हैं ना, वो मुसलमान से नफरत नहीं करता, ये अपना ज़हन बना लीजिए। अब ये बात जो अगली करूँगा ना भाईजान, मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं सच बोलता हूँ यार, अगली बात ही पाकिस्तानी क्यों नफरत करते हैं हिंदू के साथ, मैं वो भी आज आपको बताता हूँ। अच्छा, इसे काटिएगा नहीं भाई, काटिएगा नहीं, बात पूरी सुननी है आपने, आप पहले पूरी सुनिए, पाकिस्तानी नफरत क्यों करते, पाकिस्तानी भी ये नहीं कि हर पाकिस्तानी करता है, उसमें भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडिया को बुरा कहते हैं, और हिंदू लफ्ज़ को बहुत, आपने सुना नहीं था उस दिन कि हिंदू लफ्ज़ के ऊपर कैसे वो चिढ़ गया था वो बंदा, और कैसे ऐसे बहुत से मुसलमान हैं पाकिस्तानी जो हिंदू लफ्ज़ पे चिढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि शुरू से हज़ार बार ये बात मैं आप लोगों को कर चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब हमारे जेहन में बचपन से, मदरसे में, स्कूल में,
कॉलेजेस में, कहीं भी हमारे जेन में ये बैठा दिया गया कि हिंदू, अब एक ये बात काटता हूँ मैं, दूसरी बात सुनिए। अब मैं एक वीडियो देख रहा था सिंध के बीच में, हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, रेस्टोरेंट ना होटल जो खाना शाना खाने के हैं, हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, और मुसलमानों के लिए शीशे के गिलास, शीशे के बर्तन, हिंदुओं के लिए वो स्टील के और वो लोहे के गिलास और बर्तन। आप यकीन करें, इतना शेम फील कर रहा था उस टाइम मैं अपने दिल के बीच में, इतना शेम फील कर रहा था कि देखिए हमारा मज़हब तो इंसानियत का पैगाम देता है, हम लोग इस इंसानियत को लेके चलते हैं, और तुम किस किस्म की इंसानियत कर रहे हो यार, इंसानों में फर्क डाल दिया तुम लोगों ने यार। एक साइड पे हम कहते हैं हमारा मजहब इंसानियत का दर्द देता है, नो डाउट देता भी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस तरह की हरकतें करेंगे तो देखने वाले तो यही बोलेंगे। आज मजीद बुरा बन जूं? जी जी, ना बने, अच्छा बने आप। मेरे साथ कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई क्रिश्चियन हो, मैं यकीन माने उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, कभी बर्तन अलग नहीं करूंगा अपने। और ये कौन सी सोच है यार, ये कौन सी घटिया सोच है हमारी कि क्रिश्चियन ने हाथ लगा दिया, हिंदू ने हाथ लगा दिया। अच्छा वो बंदा क्या कर रहा है, क्रिश्चियन का या हिंदू का हाथ लगा हुआ है ना, तो हाथ धो रहा है पहले, उस बर्तन को धो रहा है पहले। मतलब इतनी घटिया सोच कैसे आ गई हमारे बीच में। भाई इसके अंदर देखें, मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा, ये कम लोगों में, अनएजुकेटेड लोगों में, नो डाउट कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर देखने वाले कहेंगे कि यार इतनी नफरत करते हैं इस तरीके से है। इसी तरह कुछ लोग, आप भी तो है ना, देखें आप भी तो है, आपने बोला मैं साथ बैठ के खाऊंगा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पाकिस्तानी, आप भी मुसलमान है, इसका मतलब है कि यहाँ के भी लोग मोहब्बत करते हैं। सर बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन वही बात आ गई, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। अब इंडिया की पॉलिटिशियन की कुछ बात करूंगा अगर आप इजाजत दें मुझे। आप जो आपके पास आए, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, जो मर्जी बोले, लोग आपको सुनना चाहते हैं। इंडियन पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, मैंने 2-3 दिन से ना यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ रात को, एक उधर योगी जी हैं कोई, जी। वो ऑरेंज से कलर का ड्रेस पहनते हैं वो, एक अवैसी साहब है, नो डाउट बंदे बुरे नहीं है, दोनों बुरे नहीं है, लेकिन ये सियासत दोनों लोग चमका रहे हैं बड़े हैवी किस्म की। आप ये देखिए, योगी साहब हिंदुओं को भड़का रहे हैं और वैसी साहब मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अच्छा ये सब अपने हकूक मांग रहे हैं, अब मुझे ये बताइए क्या इंडिया में इन्हें हकूक नहीं मिल रहे? ओ भाईजान, हमसे अच्छे हकूक मिल रहे हैं, ये हमसे ज्यादा खुश हैं ये लोग उधर, तो फिर खुश क्यों नहीं हो रहे ये लोग? यहाँ पे भी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि जैसे पीटीआई नोनली का आपस में बहुत से खिलाफात होते हैं, कभी किसी पे कोई इल्जाम लगाता है कभी किसी पे, लेकिन हमने यहाँ पे यही देखते हैं ना कि प्रैक्टिकली पब्लिक के लिए कौन काम कर रहा है, यही कहते हैं। वहाँ पे भी अगर योगी जी हैं, अवैसी जी हैं, वहाँ की पब्लिक का इंटरनल मैटर है मेरे ख्याल से, इसके अंदर हमें बात करने की जरूरत नहीं, एक तो ये, और दूसरे नंबर पे पब्लिक को पता है, वहाँ की पब्लिक को पता है कि प्रैक्टिकली उनके लिए कौन काम कर रहा है और भड़का कौन ले और चूरन कौन बेच रहा है। अच्छा ये अभी आपने कहा कि हमें इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि इंडियन हमारे अपने हैं, और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो वो माइंड, अच्छा वो समझेंगे इस बात को जो मैंने बात कही है ना। आप कमेंट नीचे पढ़ भाईजन, प्लीज सबको कह रहा हूँ मेरे इस टॉकिंग के ऊपर के योगी जी और वैसी जी जो मैंने लफ्ज बोले हैं कि सियासत चमका रहे हैं, इस चीज के ऊपर आपने कमेंट लाजमी करने के, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और ये लोग, मैंने ये भी कहा कि बुरे नहीं है, सोचते इंडिया के लिए ही है, लेकिन आप ये ना करें कि किसी को लड़वाएं ना हिंदू मुसलमान को, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके प्यार की यार, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपस में मोहब्बत पैदा करें, हम लोग झगड़े ना करें, हम दुश्मन ना बने, बल्कि थर्ड पर्सन जैसे कोई और मुल्क हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, हम सब एक हो जाएं, फिर मजा आता है। आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा एडवोकेट सुलमानी साहब से, जो कि बहुत ज्यादा लोग उन्हें भी पसंद कर रहे हैं, हमारे लाहौर से ही हैं, और वो बड़ी अथेंटिक एजुकेटेड बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि कभी आपकी उनके साथ मुलाकात। अच्छा एक लास्ट बात भूल जाऊंगा, मैं अभी पहले भी करना चाह रहा था, मोदी जी के लिए, अब आप हंसेंगे जो मोदी जी का नाम लेता हूँ, मोदी जी के लिए मैसेज ये है कि देखिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपने देखिए एक बच्ची के कहने पे एजुकेशन का मसला, स्कूल का हल किया, देखिए उसे पता नहीं कितने लोग पढ़ लिख के निकलेंगे और मोदी को दुआएं देंगे, उसकी वजह से कुछ बनेंगे ना वो लोग। अच्छा वो मैसेज फेसबुक से मोदी जी तक पहुंच गया, उन्होंने वो मैसेज देखा, उस पर काम किया। अरे इधर एक आबिद भाई भी हैं यार मोदी जी, आबिद भाई पता नहीं कब से तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो कभी हमें भी मौका दे दें प्लीज़, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और यकीन मानिए, इससे ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मोदी जी को कह रहा हूँ कि कभी ये ना सोचिएगा कि हम अपने पाकिस्तान को बुरा कह के आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से मिलना चाह रहे हैं। क्यों? कि मेरे जैसे गरीब आदमी के साथ खड़े हो आप हर गरीब के साथ खड़े हो, मुसलमानों को अभी आपने पीछे बड़ा पैसा दिया, अपने पास से अपनी पॉकेट से दिया आपने, तो देखिए ना कि आप हमारे मुसलमानों को आलू भी सस्ते दे रहे हो, हर चीज़ सस्ती दे रहे हो, और हर पूरे हिंदुओं को, पूरे क्रिश्चियंस को, पूरे सिख को, सबका फ़ायदा कर रहे हो,
आम सिविलियन एक बच्ची की आवाज़ पे यकीन करें, आज मैं आपका और बहुत बड़ा फैन हो गया। अच्छा आपने जितनी तारीफ कर दी, ये ना हो कि जो मैसेज आपने मोदी जी को दिया वो उन तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया तक पहुंचे और आपको फिर जो है ना वो गिफ्ट ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आप लाल हो जाएंगे। अच्छा हमारी मीडिया पता कैसे चेंज होगी, मैं फिर आपकी बात कर रहा हूं। हमने मीडिया को चेंज करना है, कैसे चेंज होगी लाएगी, लेकिन हमने चेंज सर मैं बताता हूँ आप दुआ करें कि बहुत जल्द इलेक्शन हो जाए हमारे मुल्क में। देखिए जौन सी भी गवर्नमेंट आती है ना वो मीडिया को चलाती है, हक है ये सच है, जो गवर्नमेंट ने कह देना है उसने उस हिसाब से चलना है। बोला कि दुआ करें जल्द इलेक्शन हो जाए, आज की अभी खबर है ख्वाजा आसिफ साहब का, आपको पता ही होगा मिनिस्टर जी, जी बिल्कुल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई क्या नाम लेते हैं कि जो अगर हमने इलेक्शन में सिक्योरिटी दे दी तो इंडिया पीछे से हमला कर देगा, मतलब इलेक्शन में भी हम इंडिया को ले आए। यानी कि आप इतने साल क्या करते रहे यार कि आप इस काबिल नहीं हो, एक दिन की सिक्योरिटी पे आप पे कोई हमला कर देगा, या यार आपने किया क्या फिर, तो आप तो बिल्कुल नकारा लोग हो, इसमें तो ये सवाल, आप तो बिल्कुल नकारो, आपने क्या किया, सिक्योरिटी एजेंसियां कहाँ की, सबको फेल कर दिया आपने। ओ भाई मेरे ख्वाजा आसिफ साहब से मैं बात करूँ, मुझे तो गुस्सा है इस बात के ऊपर। आप सुनिए, हमारी पाक आर्मी है भाईजान और सॉलिड आर्मी है, दूसरे नंबर पे इंडिया वालों ने क्यों अटैक करना, मैं मेरी बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए, हमारी सॉलिड आर्मी है, पाक आर्मी एजेंसियां है, सारा कुछ है, आपने सारे दारों को फेल कर दिया, आपने सबको बर्बाद कर दिया ये लफ्ज बोल के कि जी वो हम सिक्योरिटी इधर दे देंगे तो इंडिया हमला कर देगा। और भाई इंडिया ने हमला करना होता ना जब आप भूखे मर रहे थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, ये टाइम है वो, इस टाइम में हमला करता है इंडिया आपके ऊपर, इंडिया ने आपसे कोई हमला, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो बिजनेसमैन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। आप अभी भी जंगों में घुसे हुए यार, अभी भी पब्लिक को ये बता रहे हो जी इंडिया हमला, मुझे नहीं लगता, मेरी पर्सनल मेबी मैं रॉन्ग भी हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ऐसा हो ही नहीं सकता, एक दिन का सिर्फ, मतलब इंडिया ने एक दिन का, ऐसे तो फिर हम कभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेट्स सपोज कल इलेक्शन है, मैं कह दूं कि नहीं नहीं कल इलेक्शन नहीं करवाना, नहीं तो इंडिया हमला कर देगा, इसका मतलब कल नहीं करवाऊंगा तो आपकी पोजीशन है ना, जो आपने लफ्ज बोल दिया इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आज के बाद कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे, जब भी इलेक्शन होगा तो इंडिया ने हमला कर देना है आपके ऊपर, तो आप इलेक्शन कैसे करवाओगे। इसका मतलब ये शहबाज शरीफ जो है ना ता हयात के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन तो हो नहीं सकते, आप इस काबिल ही नहीं हो, इलेक्शन करवा लो। अच्छा आबिद भाई, हम यहाँ पे जंगों की बात करते हैं, हमलों की बात करते हैं, एक साइड पे ये कहते हैं इंडिया हमला कर देगा, और एक साइड पे हम ये कहते नजर आते हैं जब हम हुकूमत में होते हैं या अब हमारा नॉर्मल सीन चल रहा है, हम ये कहते हैं एक मिनट में इंडिया को उड़ा देंगे, हम दिल्ली में जाके अटैक करेंगे, हम वहाँ, यानी ये समझ नहीं आता। इंडिया जो है ना वो चने बेच रहा है, उसने हाथों में चूड़ियां पहन ली है, कि आप एक मिनट में, देखिए सर बात सुनिए कि आप एक मिनट में इंडिया कोई गुब्बारा है जिसे आप उड़ा दोगे, और भाईजान इंडिया की फौज आपसे बहुत गुना ज्यादा है, इंडिया की आबादी आपसे बहुत गुना ज्यादा है, और इंडिया कोई वो बच्चा नहीं है, ये लॉलीपॉप नहीं लेके वो फिर रहा हाथ में कि उसे आप जो मर्जी कर दो। अब एक मिनिस्टर कह नहीं रहा था, मेरी बात सुने, ये एक अलहदा मैटर है कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा, एक सोच की बात है कि एक दिन मैं ये बोलूंगा इंडिया हमला कर देगा, अगले दिन मैं ये बोलूं इंडिया को हम ये ऐसे कर देंगे, मतलब एक साइड पे आप ये कह रहे हो कि हम इतने पावरफुल हैं कि हम दिल्ली में चले जाएंगे ये कर, और दूसरे साइड पे मेरा ये पॉइंट है, एक साइड पे आप कह रहे हो कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते इंडिया हमला कर देगा, आप उससे डरते भी हो और आप कहते हो कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे हम वो कर देंगे, काश आपके मुंह से ये लफ्ज निकले होते कि इंडिया के साथ हमने दोस्ती करनी है। आप बिलीव कीजिए कि आपके मुल्क के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, आप सब अच्छे हो जाओगे, अपनी घटिया सोच खत्म करें, झगड़े वाली लड़ाई वाली। अगर ये बात होती ख्वाजा साहब, ये बात करते हैं कि भाई हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, पैसे नहीं है, इंडिया से ट्रेड रिज्यूम करते हैं, ट्रेड ओपन करते हैं, थोड़े पैसे आएंगे तो इलेक्शन करवा लेंगे, इतनी ये सोच है अपने मुल्क को ऊपर लेके जाने वाली। जब आपकी सोच ही होगी यही कि सिर्फ हमें पैसा बनाना है, तो आपके जहन में लड़ाई झगड़े के अलावा कोई बात नहीं आएगी। देखिए मैंने लास्ट टाइम एक बात कही थी कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के ऊपर ना बड़ी दुकानें चल रही हैं, अब आप ये देखिए ना कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जंग खत्म हो जाए, दोस्ती हो जाए, भाईचारा हो जाए, दुकानें सब बंद, वो भूखे मर जाएंगे, खाना खराब। लेकिन ये चीज जो उनसे इंडिया वालों को काफी हद तक समझ आ चुकी है, क्योंकि वो तो अपने मिसाइल बना के बेच रहे हैं। अभी रिसेंटली में हमने जो उनसे देखा कि उन्होंने अपना जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस के नाम से, मुझे नाम शायद प्रोनाउंस नहीं सही करना आया, लेकिन ब्रह्मोस या ब्रह्मोस मिसाइल है, उसको उन्होंने सेल करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं और आगे सेल कर, और हम अभी यहाँ पे यूएस से कोई मिसाइल ले रहे हैं, कोई चाइना से मिसाइल ले रहे हैं, हम क्यों नहीं अपनी ये सोच बदलते। टेक्नोलॉजी में इंडिया हम लोगों से तकरीबन 100 साल आगे निकल चुका हुआ है, तो अब आपको 100 साल लगने हैं इन चीज़ों में, ये तो आप सोचना ही छोड़ देना कि इंडिया ने ये कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर उसके लिए अपनी बेस को, अपनी बुनियाद को,
पहले मजबूत करना होगा, अपनी स्टडी को मजबूत करना होगा, पहले आप उस लायक हो जो, अब देखिए ना पूरी दुनिया में सीईओ इंडियन है, किसी भी बड़ी पोस्ट पे आप चले जाइए। अभी हमारे कुछ दोस्त हैं रिसेंटली जो बाहर जाते हैं जॉब करते हैं दूसरे मुल्कों में, मतलब मजदूरी करते हैं वो लोग उधर, वो बताते हैं कि हमारे ऊपर जो अफसर होता है ना वो इंडियन होता है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, साथ ये भी पूछा करें जो अफसर इंडियन होता है क्या वो आपके साथ बड़ा जुल्म करता है? सर वही बात बताने लगा। अब वो मुझे बता रहा है, कहता है यार मुझे पाकिस्तान से ना मुसलमान क्या कर रहा है और हिंदू क्या कर रहा है, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, और बाय गॉड ये इधर से हाथ रख के बता, एक लफ्ज भी झूठ नहीं होगा। उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान से जब मुझे वीजा लगवाया गया, पता नहीं कितने लाख रुपए मैंने दिए, और मुझसे ये प्रॉमिस किए गए, मुझसे ये वादे लिए गए, सारा कुछ किया गया कि उधर जाते ही आपकी जॉब लगेगी, जाते ही जो है ना आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। आप वो भाई कहता है 6 महीने मैं भूखा मरूं, मेरी कोई जॉब नहीं लगी, पाकिस्तानी ने झूठ बोल के अपनी कमीशन कर गया अंदर और झूठ बोल के उसने उधर भेज दिया। अब वो कहता है 6 महीने मैं रुला हूं और 6 महीने मैं कभी किसी पाकिस्तानी के पास गया हूं, कभी किसी मुसलमान के पास गया हूं, इवन के कहता है जो हमारे इधर जानने वाले थे, मतलब निकल आता ना कि यार वो फला बंदा जी आप उससे मिलन ना जाके, यार कहता मैं उनके पास गया हूं तो उन्होंने भी मुझे लिफ्ट नहीं दी। कहता फिर मुझे किसी शख्स ने कहा कि यार ये अफसर है, मुझे देखो सही नाम नहीं पता, उनकी पोस्ट का नहीं पता, जितना पता उतना बता रहा हूँ। उसने कहा यार ये अफसर है इसके पास जाओ, ये आपकी बात सुनेगा। वो जब उसके पास गया तो उसका नाम कुछ हिंदू टाइप नाम था, हिंदू थे तो उन्होंने जब वो मुझे खुद बता रहा है ये सारी बात, 1 घंटा वो लड़के ने मुझे समझाई बातें। वो मुझे कहता कि वो जो हिंदू को जाके मैंने प्रॉब्लम बताई ना कि यार भाई मैं 6 महीने से इधर भूखा मर रहा हूँ और ना अपने घर पैसे भेज पा रहा हूँ और मुझे पाकिस्तानी ने मेरे साथ ये किया, झूठ बोल के मुझे इधर फंसा दिया, अब तो कुछ चल ही नहीं रहा, मैं तो भूखा और मेरे, आप यकीन मानिए वो बता रहा है, वो कहता है आप कहें तो उस बंदे के साथ इंटरव्यू भी करवा सकता हूं, अभी इधर ही है अभी वो। उसने कहा उनका जो एक्सपीरियंस है वो सुनना जी, बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। अच्छा उसने कहा कि इंडियन जो था वो शख्स, उसे जब मैंने कहा ना कि मैं इतने महीनों से भूखा हूं, कहता सबसे पहले उसने कोई बात नहीं की, उसने कहा 3-4 किस्म के खाने मंगवाए, उसने कहा मुसलमान हो नो प्रॉब्लम, आप हिंदू हो नो प्रॉब्लम, पहले आप खाना खाओ, इंसान पहले हो। उस बंदे ने उसे खाना खिलाया और अपनी ही कंपनी में अच्छी जॉब पे लगवाया उस शख्स ने। आज वो बंदा उस हिंदू को झोलियां उठा उठा के दुआएं देता है और पाकिस्तानियों को दुआएं दे रहा है वो, जिन्होंने उसे रोला भाई। अच्छे बुरे लोग दोनों जगह पे होते हैं, लेकिन जो तारीफ की चीज है उसे करनी चाहिए। आबिद भाई वाइंड अप करते हैं, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, मुझे ये बताएं जैसे उस बच्ची की, जम्मू एंड कश्मीर की बच्ची की आवाज सुनी गई, उसको स्कूल प्रॉपर बना के दिया गया, ऐसे ही सिंध में भी हमारे बच्चे मौजूद हैं। देखें बड़ी बात, वैसे तो मुझे देखने वाले ये कहते हैं और वो बात भी ठीक करते हैं कि हिंदू मुस्लिम ना किया करो, इंसानियत की बात किया करो, लेकिन ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा समझाने के लिए कि वो जो लड़की है जो जिसने मोदी साहब को मैसेज दिया वो मुस्लिम थी, उसकी बात इंडिया की तरफ से सुनी गई, यहाँ पे जो हिंदू हमारे मौजूद हैं उनकी बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कब सुनी जाएगी, ये बताएं, उनके पांवों पे चप्पलें तक नहीं मौजूद। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ खुले लफ्जों में, आप तो कह रहे थे कि इंडिया में मुसलमानों की सुनी नहीं जाती, मतलब आप नहीं लोग कहते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती, बड़े जुल्म, वो बच्ची मुसलमान थी उसके कहने पे स्कूल बना है जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे जम्मू कश्मीर जहाँ पे कह रहे हैं जी मुसलमानों को तो घरों में बंद किया हुआ है, ये हो गया वो हो गया, उस बच्ची के कहने पे मोदी जी ने स्कूल बना दिया है भाई उधर, उसके अलावा मोदी जी ने इंडिया का नक्शा चेंज किया हुआ है, ये सबको पता है। मैं कहता हूं हमें अपने पाकिस्तान, अब मैं अपने पाकिस्तान की बात, सर मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से, अगर कोई हमें सुनना पसंद करे या सुन ले कोई, अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि भाईजान सिंध के बच्चों को एक बार गौर से देख लीजिए, ये जो बच्चे मैंने दिखाए थे लास्ट टाइम जहाँ हमने वो बांटा था, उन बच्चों की तरफ एक बार गौर से देख लीजिए, क्या आपका दिल नहीं हिलता यार? ओ भाई स्कूल बनाने में बहुत ज्यादा डॉलर नहीं लग जाते, ऐसे ही है। कुछ पैसे लगते हैं और वो आप गवर्नमेंट में हम टैक्स देते हैं भाई, तो फिर हम सीधे होके कहेंगे भाई हम टैक्स देते हैं बनाओ, क्यों नहीं बना रहे आप लोग? प्यार से कहते हैं आई लव यू, आई लव यू कह रहे हैं आपको कि जान जी आई लव यू नवाज शरीफ साहब, आई लव यू शहबाज शरीफ साहब, आपकी मेहरबानी, खुदा का वास्ता है आपको, ये छोटे छोटे पिलक रहे हैं बच्चे, सिसक रहे हैं, इनके बारे में स्कूल बना दो, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है भाईजान। महंगाई कम कीजिए, जो भी इश्यूज हैं पब्लिक के वो कम किए जाएं। अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके, बहुत मसरूफ थे लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम दिया। यहाँ पर मैं पाकिस्तान से अगर कोई लोग देख रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप भी कुछ ऐसा करें, हम ऐसी ही खबर चलाएंगे आपको, बल्कि मैं कहता हूँ हमें दिल से खुशी होगी कि लो भाई पाकिस्तान के लोग भी हमें सुन रहे हैं और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी पब्लिक का देख रही है। आप एक बार स्कूल बना
के देखें, आप एक बार बच्चों की सुन के देखें, आप एक दफा पब्लिक की सुन के देखें, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर किसी को ये लगता है जी आप क्रिटिसाइज करते हो, आपने किया क्या है? आप अगर हम अपनी बात करें, ये गुज़िश्ता 6 माह में आबिद भाई कोई बताए ना कोई साल में कोई प्रोग्रेस हुई हो। एक बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में क्वालिटी है कि मेरे पास 1,000 रुपये है ना, तो वो 1,000 रुपया रात मतलब सुबह घर से निकला हूँ ना, तो जेब में जो 1,000 रुपया वो 1,000 रुपया ही पूरा वापस लेके जाना है, उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। ये गवर्नमेंट मतलब सियाने सियाने सियाने। अब मैं आप लोगों को रख के ना एक बात करने लगा हूँ, जो माइंड करता है करे, जिसे बुरा लगता है लगे, मुझे कुछ नहीं है, ना मैं कुछ लेता हूँ ना देता हूँ। क्या यूट्यूब पे नहीं आएंगे? अच्छा है, बल्कि जान छुट जाएगी। अच्छा चले सुनिए बाप जी जी, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना भाईजान, किसी के अंदर इतना जुर्रत और हौसला नहीं कि हाथ से छोड़ दे। बात को समझिएगा, मेरी लैंग्वेज जो है ना थोड़ी सख्त होगी लेकिन समझिए। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग गरीबों को राशन दे रहे हो, गरीबों के घरों में जा रहे हो, उनकी दुआएं ले रहे हो, अल्लाह आपसे खुश होगा। आपने छोटे छोटे बच्चों के लिए अब स्कूल का भी कुछ करें, उनकी चप्पलों के बारे में कुछ करें, उनके किया भी आपने। मैं सर जो आपने किया वो मैंने देखा है। कुछ लोग जो है ना जेलस होने वाले, खाना खराब ना कुछ कर, खुद कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहा है उसे भी जलील करना है इन लोगों ने कि वो ये कर क्यों रहा है, अच्छा काम कर क्यों रहा है। इतना जलील कर दो कि वो अच्छा काम करना ही बंद कर दे। लेकिन आबिद भाई आपको लगता है, मुझे देख के ये जो मेरे टीम मेंबर खड़े हैं इन्हें देख के आपको लगता है कि हम इतने छोटे या इतने कमजोर माइंड के होंगे कि हम किसी की बात में हमें ऐसा? अब मैं कहता हूँ जितनी हमें वो, मैं सिंध गया, मैं आपको बताता हूँ सिंध से, मैंने सोचा था ये प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर ये चीजें दिखाऊं और एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या हमने वहां पे फील किया। यकीन माने वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जिन्हें हमने जूते पहनाए, वो ऐसे